डिसेंट सा इसका साइज है। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेवल गैजेट्स। तो आज की वीडियो में हम ऐसे गैजेट की अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि हमारे एयर पिलो, जो कि ट्रैवलिंग में, हाइकिंग में, कैंपिंग में, कहीं भी आप लोगों को लॉन्ग ट्रैवल में भी काम आ सकते हैं, चाहे आप लोग गाड़ी में सोना चाहें या फिर हमारे ही जो स्लीपिंग पैड है जो कि इंसुलेटेबल मैट्रेस है, एयर मैट्रेस, उसको भी ब्लो करने में काम आएगा एयर। ये जो इन्फ्लेटेबल एयर मैट्रेस है ये 1% का है और इस नेचर हाइक ब्रांड का ये। इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी अराउंड 9000 आई थिंक 2 ईयर्स बैक। तो इसमें हम हवा डालेंगे और उसके अलावा जो है हमारे पास है नेचर हाइक ब्रांड का एयर प्लो, ठीक है। इसमें 2-3 वेरिएंट्स आते हैं जो कि मैंने ऑर्डर किया था, ये मुझे अराउंड 100 या 1100-1200 का पड़ा था। तो इसमें देखें, आप लोग हवा जो है मुँह से भी डाल सकते हैं, आपकी एनर्जी टाइम कंजम्पशन होता है। तो उसके बचने के लिए आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस प्रोडक्ट की, जो कि एयर पंप है, टाइनी सा है, अफेक्टिव है। तो इसकी एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, पहले इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये ऐसे कुछ दिखता है, मेड इन चाइना। अच्छा, इसमें ना नेचर हाइक का भी आता है, नेचर हाइक का अराउंड मेरे ख्याल से अभी 8000-9000 PKR का चल रहा है। तो ये मुझे पड़ा है 2300, तो इस वजह से ये मैंने ऑर्डर कर दिया था रिव्यूज़ वगैरह चेक करने के बाद। देखें, डिसेंट सा इसका साइज़ है। एक्सटर्नल नोजल्स वगैरह दिए हुए हैं, चार्जिंग टाइप सी केबल दी हुई है और ये पंप इट्सेल्फ। अच्छा, फीचर्स की अगर इसकी बात कर ली जाए तो कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है, वेस्ट ट्यून इसका ब्रांड है। और अच्छा, इससे जो है ना आप लोग हवा भर भी सकते हैं और इधर से वैक्यूम से हवा निकाल भी सकते हैं। और ये नीचे जो है लाइट दी हुई है, LED लाइट, इसको प्रेस करके रखेंगे 2 सेकंड के लिए तो ये ग्लो कर जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये SOS ऑप्शन इसका ऑन हो जाएगा, टाइप सी। इधर से आप लोग चार्ज करेंगे, मेरे ख्याल से ये अराउंड 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये चार्ज हो जाएगा। और ये ऑन ऑफ का स्विच है इसका, देखिए थ्रो तो ठीक ठाक काफ़ी है और इधर से जो है ये हवा सक कर रहा है। तो इन्फ्लेट भी कर सकते हैं इससे आप कोई भी किस्म का जो है एयर मैट्रेस है, कोई भी चीज़ इन्फ्लेट भी कर सकते हैं और डिफ्लेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना ये ट्राई करेंगे एयर पिलो। अब एयर पिलो के आगे हमें नोजल, इसमें से देखते हैं कौन सी लगानी चाहिए। ये मेरे ख्याल से पतली वाली इसके लिए होगी। देखते हैं कितना टाइम में इसको हवा डालता है। हवा तो जा रही है लेकिन टाइम लग रहा है, तो बड़े वाले में कितना टाइम लगेगा, लेट्स सी। रकल से काफी थोड़ा सोड डाल लेते हैं हवा इसमें। तो ये हमारा पिलो तो रेडी हो गया। अब हमारी बारी आ जाती है एयर मैट्रेस की, ठीक है। इसके साथ ये एक पाउच आ जाता है जो कि इससे भी आप लोग एयर ट्रैप करके हवा इसमें भर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, ट्रस्ट मी। ओके, मेरे ख्याल से इसके साथ ये वाली नोजल लगा के देखते हैं, तो ऑन करके देखते हैं कि कितने टाइम में जो है इसमें हवा डालता है। पंप एक्चुअली निकल रहा है, तो
तो पम पम प्रेस करे रखेंगे। समझ में तकरीबन एक मिनट के अंदर अंदर ये हवा भर देगा, आप लोगों का काम हो जाएगा। अब पोर्टेबल मिनी है, ऑब्वियसली काम तो ये इफेक्टिवली कर रहा है, लेकिन टाइम तो ऑब्वियसली इसको लगेगा। मेरे ख्याल से इट इज मोर देन एनफ। इससे थोड़ी सी और भी हवा डाल लेते हैं, लेकिन मुझे तो जैसा आप लोगों को चेक कराना था, तो अभी इसको प्लेस करते हैं हम अपने टेंट के अंदर। टेंट मेरे ख्याल से इसके हिसाब से छोटा है। हाँ, अगर इसको उस तरह भी रखते हैं तो टेंट थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, लेकिन काम हो जाएगा। अब आराम से इस पर हम लोग लेट सकते हैं। तो है मज़े का, है कम्फर्टेबल सा है इन दोनों पिलो का भी, और ये जो आपका एयर मैट्रेस, इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, इन केस अगर आप लोग कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं माउंटेनियस वगैरह या किसी भी जगह पे, तो आप इस एयर मैट्रेस के नीचे भी थोड़ा बहुत आप लोग प्रोटेक्शन लेयर एक डालेंगे, ताकि ये पत्थर वत्थर कोई कांटों वंटों से पंक्चर ना हो जाए। तो आपके पैसे और आपकी मेहनत वरना वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, हवा निकालने वाला सिस्टम मैं बता देता हूँ। हवा आपने इधर से डालनी, इधर से ब्लो होगी और हवा इधर से निकलेगी। अब इसको ऑन करते हैं। अच्छा गाइस, देखें आप, टाइम तो लगता है, तो हम एक काम करेंगे, इसको बंद करके खुद ही मैनुअली हवा निकाल देंगे। इसकी नोज़ल जो है ना, निकालने की ट्रिक ये है, या हवा डालने की, इसकी नोज़ल जो है ना एयर लॉक होता है इधर से बीच से। सेफ्टी समझ लें, सेफ्टी एक दी होती है, इसको आप थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे तो फिर आप लोग प्रेस करेंगे तो इसकी हवा जो है निकलेगी। तो गाइस, इस एयर मैट्रेस की हवा निकालने के लिए पता है क्या सिस्टम है? एक तो ये आपका आ गया ना लिड, इसके नीचे वाला जो है ना, इसको आप लोग खींचेंगे तो ये देखिए ओपनिंग है पूरा, ये आराम से इसकी हवा निकल जाएगी। हल्की सी मेहनत आपको सिर्फ रिक्वायर्ड है। ये देखिए कैसे हवा निकलती जा रही है खुद ब खुद। अच्छा, ये मैं बताता चलूँ, ये थोड़ा सा थिन एयर मैट्रेस है, बहुत मोटा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मज़े का है, जैसे जेल टाइप नहीं होता उस तरह का, तो ये आप लोगों को आराम से सुकून की नींद दे सकता है। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह के मजीद गैजेट्स और इंटरटेनिंग वीडियोज़ देखने के लिए AKG नेटवर्क का हिस्सा बन जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे ऑब्वियसली, और टिकटॉक पे मुझे आप लोग फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नए अमेजिंग कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। एक मज़ेदार कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आप लोग ले सकते हैं इस बिल्ली के साथ। ये देखो, हम इधर अपना काम कर रहे हैं और इधर बिल्ली जो है हमारी मस्तियाँ कर रही है। बिल्ली की जो है ना शरारत ही नहीं ख़त्म होकर दे रही। सही है यार, करो अपना काम।